हेलो दोस्तों, इससे पहले जो मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक पढ़ा था है ना, मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में एक मैं एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ। इसे मान लो, मुझे अगर ये गिवन है, इसे मान लिया कि ये कोई बॉडी है, मान लो बॉडी है, ए बॉडी है, चार्ज क्यू ए चार्ज, ठीक। एक और कोई बॉडी ले लिया बी, जो न्यूट्रल चार्ज है। ये कैसा चार्ज है? न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज है। और ये इस पे चार्ज क्या है? क्यू है, ठीक है। क्यू ए मान लिया चार्ज है। दोनों के एक दूसरे से रब किया मैंने, जब दोनों के एक दूसरे से रब किया, ऑन रबिंग मैंने देखा 100 इलेक्ट्रॉन इज एक्सचेंज, 100 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सचेंज हो गया फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक 100 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ, ठीक है। एक्सचेंज के जगह पे मैं यहाँ पे एक और वर्ड यहाँ मैं लिख सकता हूँ, इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड या ट्रांसमिटेड। मान लिया मैंने ए से बी क्या हुआ? 100 इलेक्ट्रॉन किया, ठीक है। ए से बी तो फाइंड नेट चार्ज ऑन ए एंड बी, फाइंड नेट चार्ज ऑन ए एंड बी। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा दोस्तों? देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो 100 इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर किया, 100 इलेक्ट्रॉन किया, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ए पे जो चार्ज आएगा, क्यू ए डैश उसका वैल्यू क्या होगा? तो क्यू ए जो इनिशियल था माइनस 100 इलेक्ट्रॉन, तो 100 ई, तो नेट चार्ज ए पे कितना होगा? नेट चार्ज हो जाएगा क्यू ए माइनस 100 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। क्यू ए डैश जो हो जाएगा नेट, वो कितना आ जाएगा? क्यू ए माइनस 1.6 10 के पावर माइनस 17। ये कूलम हो गया, इतना चार्ज बचेगा ए पे। कोई पूछे बी पे चार्ज कितना होगा, तो बी ने चार्ज गेन किया, वो चार्ज गेन कितना किया? चार्ज गेन किया तो माइनस एन ई क्यू बी, तो एन कितना है? 100 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम, तो क्यू बी इक्वल टू 1.6 10 के पावर माइनस 17 कूलम। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आते हैं दोस्तों, इसे लिखो। इसके बाद और क्या एग्जांपल इस पे आता है, क्या बनता है एग्जांपल, देखो करते हैं। तो इसे आप लिखो पहले, है ना। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज तो हो गया पढ़ाई, अब मैं थोड़ा इसमें थोड़ा डिटेल आता हूं, मैं देखता हूं इसमें क्या क्या टॉपिक है, लिंक है इसमें। देखो इसके बाद जो टॉपिक है ना, वो है टॉपिक का नाम है चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है। तो चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, कैसे किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, ये जो प्रोसेस होता है ना, तीन तरीके से किसी भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। जैसे एक तो है चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग। अगर दो बॉडी को एक दूसरे से रब किया जाए तो किसी भी बॉडी का चार्जिंग हो सकता है। सेकंड क्या है? सेकंड है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। अगर कॉन्टैक्ट हो दो चार्ज बॉडी का, तो उसमें भी चार्जिंग किया जा सकता है। थर्ड जो है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, खासकर जो एग्जाम में आता है वो मेनली इससे ये और ये टॉपिक आता है एग्जाम में खासकर। तो हम इसके बारे में ऐसे क्या जानेंगे, तो सबसे पहले क्या है, मैं चार्जिंग बाय रबिंग का हेडिंग डालता हूँ। चार्जिंग बाय रबिंग क्या होता है, कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है विद रबिंग, है ना। तो चार्जिंग बाय रबिंग क्या होता है, इसे जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ना, जो एक अच्छा सा एग्जाम्पल है वो क्या है,
इसे मैंने ग्लास रोड लिया, मान लो ये ग्लास रोड है, ये मैंने एक ग्लास रोड लिया, ग्लास रोड है, ग्लास रोड लिया, ठीक है, रोड लिया ग्लास का है। उसके बाद मैंने सिल्क ले लिया, ऐसा सिल्क ले लिया, ऐसा मान लो ये क्या है, सिल्क, सिल्क थ्रेड ले लिया, सिल्क थ्रेड मैंने ले लिया। जब दोनों के एक दूसरे से रब हुआ ना, दोनों को मैं रब जब करूंगा, ऑन रबिंग क्या होता है, ऑन रबिंग, रब होने के बाद ग्लास रोड जो है, ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जब ये रबिंग करता हूं तो मैं देखा इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो सिल्क पे है, सिल्क थ्रेड पे क्या है, सिल्क थ्रेड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दोस्तों ये बातें याद रखेंगे, ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन एग्जाम में भी, छोटे मोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस ग्लास रॉड हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी होता है, देयरफॉर इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, देयरफॉर इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज ये हो जाता है, ठीक। और क्या होता है, इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक। उसके बाद सेकेंड में क्या है, इसी में अब इसमें क्या है कि जो सिल्क थ्रेड जो है, इट हैज द टेंडेंसी, सिल्क थ्रेड हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इसके पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, देयरफॉर इट बिकम नेगेटिवली चार्ज, इसीलिए ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज। हाँ दोस्तों, ये जो चार्जिंग बाय रबिंग जो मेथड है ना, ये जो मेथड है वो परमानेंट मेथड नहीं है, इट इज नॉट अ परमानेंट मेथड फॉर चार्जिंग अ बॉडी। तो ये बातें इंपॉर्टेंट इसमें है, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, चार्जिंग बाय बॉडी में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट इज नॉट परमानेंट मेथड, ये परमानेंट मेथड नहीं है, तो इस बात पे ध्यान देंगे, इट इज नॉट अ परमानेंट मेथड टू चार्जिंग अ बॉडी, किसी बॉडी को चार्जिंग करने के लिए ये एक परमानेंट मेथड नहीं है। इट विल डिसअपीयर, ये डिसअपीयर हो जाता है, लूज हो जाता है, इट विल disappear after long time, after some time, ये कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, disappear हो जाता है, जो charge है वो disappear हो जाता है, ये कुछ समय बाद disappear हो जाता है, इसलिए ये permanent method नहीं है। तो ये बातें बहुत important है। तो charging by rubbing में हम क्या लिखेंगे कि when two objects are rubbing with each other इट गेट्स चार्ज, ठीक है, उसका ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो मैं यहाँ पे खुद में लिख दूं, है ना, इसे लिखो, तो ये इसका एग्जाम्पल है, मैं इसमें एक दो लाइन लिखता हूँ इसका, देखो इसमें मैं लिख सकता हूं कि when two bodies rubbed with each other, जब वो रब होगा विद इच अदर, सम इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, एंड इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद करेंगे तो ये ज्यादा ही बेहतर होगा, ठीक है। तो
ये चार्जिंग बाय रबिंग हो गया, सिल्क थ्रेड प्लस शॉर्ट, इसका क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट मेथड। तो चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट मेथड क्या है, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट मेथड क्या है, इसमें देखो क्या है, तो जो टॉपिक है वो है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट मेथड। तो चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट से कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, तो चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। देखो इसमें क्या है कि व्हेन टू बॉडीज When two charged body, क्योंकि अगर किसी charged body को contact करेंगे, when two charged body are contacted, अगर वो contacted होता है, then some electron are transferred. Transferred from one to another, at equilibrium. ये equilibrium में होता है. Equilibrium मतलब क्या होता है? Equilibrium क्या होता है? Equilibrium में जैसे when two charged bodies, मान ले कोई मैंने body ले लिया, charged body है, ये है, इस पे चार्ज Q है, ठीक है, ये बॉडी चार्ज भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, व्हेन टू चार्ज बॉडी, ये चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो व्हेन टू चार्ज बॉडी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं उसे, व्हेन टू बॉडीज भी इसे लिख सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक का चार्ज है क्यू ही चार्ज, ठीक है, और एक का चार्ज है क्यू भी, ठीक है, मैंने क्या किया, ये दोनों अलग अलग है, दोनों को मैंने क्या किया, एक साथ किया, ठीक है, कॉन्टेक्ट में लाया क्यू ही चार्ज और ये भी क्यूबी चार्ज। अब क्या होगा, एक ऐसा समय होगा जब दोनों का जो चार्ज है ना वो इक्वल आ जाएगा, मतलब जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब ये कॉन्टेक्ट हुआ तो ऑन कॉन्टेक्टिंग ये ऐसा मैंने बनाया, आफ्टर कॉन्टेक्ट होने के बाद They separate, and they separated by having equal charge. वो जो जब वो separated होगा ना तो उसमें क्या होगा, equal charge होगा। तो ये बात इसमें important है, मतलब जब separation होगा तो दोनों में चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा, और वो जो वैल्यू जो होगा ना वो मीन वैल्यू होगा, दोनों का मीन वैल्यू होगा। मीन वैल्यू कहने का मतलब है कि क्यू ए डैश इक्वल टू क्यू बी डैश मीन वैल्यू, तो क्यू ए प्लस क्यू बी बाय टू। तो ये हमेशा याद रखना कि जब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा और जब इसे मैं हटा दूंगा तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मीन वैल्यू होगा, जो इसका चार्ज होगा वो इसका मीन वैल्यू होगा। तो ये बात इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये इसका मीन वैल्यू होगा क्यू एस इक्वल टू क्यू बी डैश। इसमें एग्जांपल दूंगा तो और समझ में आएगा, एग्जांपल और देखो, एग्जांपल और देता हूँ, आसान है वैसे ये टॉपिक, उतना हार्ड नहीं, बेसिक है ये, और देखो देखे इसमें क्या है कि चलो मैं इसे रब करता हूँ, इसमें एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा ये क्या है। तो हमेशा याद रखेंगे मीन वैल्यू होता है, जैसे मान लो कोई स्क्वायर लिया ए, फिर एक स्क्वायर लिया बी, ठीक है, 10 कूलम का चार्ज है, 4 कूलम का चार्ज है, दोनों को कांटेक्ट किया मैंने, ए और बी को कांटेक्ट किया, फिर मैंने दोनों को सेपरेशन कर दिया। तो जब सेपरेशन किया, दोनों का सेपरेशन जब हो गया तो दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल वैल्यू हो जाएगा आफ्टर सेपरेशन। तो क्यू ए डैश इस पे चार्ज मान लिया क्यू ए डैश, इस पे चार्ज मान लिया क्यू बी डैश,
तो क्यू ए डैश इक्वल टू क्यू बी डैश, दोनों पे चार्ज क्या होगा, इक्वल आएगा। मतलब हुआ कि उसका रीजन क्या, देखो जैसे मान लो जब तक ये चार्ज इक्वल नहीं होगा ना, तब तक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता रहेगा, और इक्विलिब्रियम में ये होगा कि दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या मतलब समझ में आया? फिर से देखो, जब इसका चार्ज ज्यादा होगा तो यहां से चार्ज इसमें आएगा, और तब तक जाता रहेगा जब दोनों पे चार्ज इक्वल हो जाए। तो वो चार्ज इक्वल क्या होगा, तो ये दोनों का मीन वैल्यू होगा। सिंपल बात, फिर से देखें, अगर क्यू पे चार्ज अगर ज्यादा होगा तो यहां से चार्ज इसमें आएगा, और तब तक आता रहेगा जब तक कि दोनों पे चार्ज इक्वल ना हो जाए। तो ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है। तो क्यू ए डैश इक्वल टू क्यू बी डैश, और इसका जो वैल्यू होगा वो मीन वैल्यू होगा। तो क्यू ए प्लस क्यू बी बाय टू, इनिशियल चार्ज कितना है, तो 10 प्लस 4 बाय 2, तो 14, तो 7 कूलम। तो दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा, इसका भी 7 कूलम, इसका भी 7 कूलम। इसे लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल की ओर चलते हैं। देखें तो चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट का ये एग्जांपल चल रहा है। ठीक है, चार्जिंग में कोई इसमें और एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो एक और एग्जांपल की बात मैं करता हूँ। देखो इसे मान लिया कोई स्फीयर है ए, एक और स्फीयर है बी, एक और स्फीयर है सी। ऑल थ्री आर आइडेंटिकल स्फीयर, ऑल थ्री आर आइडेंटिकल, तीनों क्या है, आइडेंटिकल। हाँ, यहाँ बात ये याद जरूर रखेंगे, तीनों क्या है, ये जो दोनों है वो क्या, आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी मीन वैल्यू हम लेंगे। जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है, आइडेंटिकल ही लेनी है। तो तीनों यहाँ पर क्या लिया मैंने, आइडेंटिकल है, तीनों आइडेंटिकल, थ्री आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, थ्री आइडेंटिकल मेटल स्फीयर लिया मैंने। ठीक है, थ्री आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, इस पे चार्ज मान लो 10 कूलम ले लिया, इस पे 4 कूलम, इस पे -2 कूलम। ठीक है, इसलिए ए बी सी लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि मैंने ए को बी से कॉन्टेक्ट किया, ए को बी से कांटेक्ट किया। ठीक है, कांटेक्ट किया ए से बी को, फिर मैंने क्या किया, बी को सी से किया कांटेक्ट। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फाइंड नेट चार्ज ऑन ए बी एंड सी। मुझे क्या निकालना है, नेट चार्ज निकालना है ए बी और सी में। कब निकालना है, जब मैंने ए को बी से किया टच, फिर मैंने क्या किया, बी को सी से टच किया, तो मुझे निकालना है नेट चार्ज ऑन ए बी सी। ऐसे करेंगे, देखो जब मैंने ए से बी टच किया, ए से बी मैंने टच किया, जब ए से बी टच किया, तो जो ए पे जो चार्ज है क्यू ए डैश इक्वल टू क्यू बी डैश, वो इसका क्या होगा, मीन वैल्यू होगा। तो 10 प्लस 4 बाय 2, डेट इज 7 कूलम। ठीक है, अब देखो दोस्तों, तो ए पर चार्ज कितना हो गया, 7 कूलम। ठीक है, बी पे अब चार्ज कितना हो गया, तो इस पे भी 7 कूलम। लेकिन मैं अब बोला कि इसी में मैंने क्या किया, फिर बी को सी से किया टच किया, है ना, बी को अब सी से किया, तो बी पे भी चार्ज कितना है, तो बी पे चार्ज है 7 कूलम। सी पे चार्ज कितना है, तो सी पे चार्ज है -2 कूलम। तो अब जो चार्ज होगा ना, क्यू बी डैश इक्वल टू क्यू बी डबल डैश, इसको मान लिया डबल डैश, कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्यू बी डैश इसे माना था, इसलिए मैंने इसको अलग मान लिया। क्यू बी डबल डैश इक्वल टू क्यू सी डैश इक्वल टू 7 प्लस -2 बाय 2, तो क्यू बी डबल डैश इक्वल टू क्यू डैश सी इक्वल टू कितना चार्ज हो गया, 5 5 बाय 2, तो 2.5 कूलम। तो आंसर क्या होगा, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए पे जो चार्ज है वो कितना चार्ज है, 7 कूलम नेट चार्ज है, बी पे जो चार्ज है वो 2.5 कूलम है, और जो सी पे चार्ज है वो भी 2.5 कूलम है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन याद हो गया। ये जनरली होता क्या है, क्वेश्चन याद हो जाता है बच्चों को, इसमें कोई खास बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान बात है। तो इसे लिखो, अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन होता क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे क्या है, क्या होता है इंडक्शन, इंडक्शन मतलब होता क्या है दोस्तों।
मैं चार्जिंग में इंडक्शन पढ़ रहा है ना, ऐसे रब कर रहा हूँ, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन है ना। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन होता क्या है देखो, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन से कैसे किसी को चार्ज किया जा सकता है। इसे इंडक्शन मतलब होता क्या है, इंडक्शन मतलब होता है इंड्यूस हो जाना, मतलब किसी के रीजन से इंड्यूस हो जाना। तो इंड्यूस मतलब क्या होता है, जैसे अगर हिंदी भाषा में हम बोले तो इंडक्शन मतलब होता है, इंडक्शन मतलब होता है कि बिना कांटेक्ट का इंड्यूस हो जाना, बिना कांटेक्ट का इंड्यूस हो जाना। तो बिना कांटेक्ट का इंड्यूस हो जाना, इंड्यूस मींस कभी कभी इसे हम बोल सकते हैं प्रोड्यूस हो जाना। तो बिना कांटेक्ट का इंड्यूस हो जाना इसे ही क्या बोलेंगे, इंडक्शन बोलेंगे, एक सिंपल भाषा में होता है। तो इंडक्शन मतलब होता है बिना कांटेक्ट का इंड्यूस, इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस भी हो सकता है, कोई खास बात नहीं। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो यहां पे लिखा हुआ चार्जिंग लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, व्हेन, तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड, बॉडी कैन बी चार्ज, एक बॉडी जो है वो चार्ज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन के प्रोसेस से कोई भी बॉडी चार्ज हो सकता है, उसे क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन, सिंपल बात है। अब बॉडी कैन बी चार्ज विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, तो उसे क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन, सिंपल बात है। तो ये बातें याद होना चाहिए, इंडक्शन, इंडक्शन मतलब कोई भी दो स्फीयर, कोई भी दो मेटल स्फीयर कभी भी कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, वो उसके नियर बाय में होगा, तो कभी भी मतलब बिना कॉन्टेक्ट का। तो ये बातें यहाँ पे याद रखेंगे, बिना कॉन्टेक्ट मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा अपने आप। जैसे मैंने ये एक मेटल स्फीयर लिया, मान लिया ये न्यूट्रल चार्ज है, ठीक है, न्यूट्रल चार्ज है, तो मैंने एनसी लिख दिया, ठीक है, और मैंने इसके पास एक रॉड लाया, रॉड है जो पॉजिटिवली चार्ज है, एक रॉड लाया जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, मैं इसके एक्चुअल में क्या है, ये रॉड लिया और मैं यहाँ पे ये न्यूट्रल चार्ज है। न्यूट्रल चार्ज होता क्या है, न्यूट्रल चार्ज होता है जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, तो ये न्यूट्रल चार्ज है। तो ये अगर याद रहे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल चार्ज, ठीक है। ये क्या है, ग्लास रोड, या तो रोड मान लो, कोई ग्लास रोड ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया मैंने लिया, ये एक्सपेरिमेंट है, ये लिया, और ये क्या है, न्यूट्रल चार्ज है, मुझे इसे चार्जिंग करना है मान लो, तो कैसे इसको चार्जिंग करेंगे वो देखें। तो चार्जिंग होता क्या है दोस्तों, देखो एक्चुअली क्या है, जब मैं इसके पास में लाऊंगा ना, जब ये नियर बाय में आएगा तो क्या होगा, मैं इसको इसके नियर बाय में लाया, मैं रॉड को स्फीयर के नियर बाय में लाया, इसके नियर बाय में लाया, अभी कांटेक्ट नहीं है, ये इसके नियर बाय है, ठीक है, मैंने देखा कि इसका माइनस का चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो गया, ठीक है, और प्लस प्लस में रिपल्सन है, इसीलिए प्लस साइन यहाँ पे आ गया, प्लस प्लस में रिपल्सन उधर और माइनस का अट्रैक्शन। अच्छा एक बात है, अगर इसे लेफ्ट किया जाए तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन शो करेगा, कोई बात नहीं, मुझे पता है इस तरह, ठीक है, मैं इसे जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें मैं ये चीज बता रखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखे दोस्तों, तो ठीक है, ऐसा है, इसे क्या करो अर्थिंग कर दो, अर्थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला मैंने, अर्थिंग, इसे अर्थिंग अलग कर दोगे ना, जब ये अर्थिंग हो जाएगा ना, इसे जब अर्थिंग कर दोगे, जब अर्थ से कनेक्टेड होगी कनेक्ट हो, तब क्या होगा, सारा पॉजिटिव अंदर, और जो अर्थ है, अर्थ अर्थ में इतना कैपेसिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इतना कैपेसिटी होता है अर्थ में। तो ये बातें हमेशा याद रखना कि अर्थिंग जब होगा तो इलेक्ट्रॉन
दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो इसमें क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है ना वो सारा आ जाएगा इसमें अर्थ में, और इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ से इधर आ जाएगा। अब नाउ इट बिकम देखो, अब ये क्या हुआ कि सारा नेगेटिव चला गया नीचे, तो ये अब यहाँ पे सारा नेगेटिव आ गया, सारा नेगेटिव आ गया, और रोड यहीं पे है, रोड इसी के पास है। अब क्या है, अर्थिंग हो गया। अब ये अर्थिंग को क्या कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो। अर्थिंग को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, ये स्विच मतलब ऑफ दिया कर मैंने। अब क्या है, अब इसे अगर हटा भी दोगे तो ये हमेशा नेगेटिवली चार्ज ही बना रहेगा। मतलब क्या हुआ, ये कभी भी डिस डिस्पेयर नहीं होगा, ये हमेशा नेगेटिवली होगा चार्ज। अब क्या होगा, इसीलिए क्या होता है, ये जो स्फेयर है वो क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज बन गया। इसमें अब ये लॉस नहीं होगा, इट बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। तो न्यूट्रल चार्ज बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये याद रखने के लिए, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन का एक मेथड है दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर स्कूलों में जो जो एग्जाम होता है ये स्कूलों में, उसमें ये सब क्वेश्चन आते हैं। और क्या है, देखो ये नेगेटिवली हो गया चार्ज, ठीक है। अब देखो तो ये कभी भी डिसअपीयर नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो हो गया परमानेंट नेगेटिवली चार्ज, परमानेंट मतलब कभी भी डिसअपीयर नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड है वो क्या है, इससे क्या हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि चार्जिंग कैन बी डन परमानेंटली, मतलब परमानेंट चार्जिंग मेथड, इसे बोल सकते हैं परमानेंट चार्जिंग मेथड। ये परमानेंट चार्जिंग मेथड है, किसी भी बॉडी को चार्ज करना है परमानेंट, तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन है। और जो चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट था वो भी था परमानेंट चार्जिंग मेथड था। तो ये बात ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चार्जिंग बाय इंडक्शन का। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, तुम इसे प्रैक्टिस करना है, इसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका एक और, इसे मान लें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं करता हूं, हाउ अ मेटल स्फेयर, एक मेटल स्फेयर या एक मेटल न्यूट्रल स्फेयर बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। मतलब कैसे एक पॉजिटिवली चार्ज, मतलब कैसे एक मेटल स्फेयर को पॉजिटिवली चार्ज बनाएंगे हम, ठीक है। क्या कैसे होगा वो पॉजिटिवली चार्ज, क्या करेंगे, देखो फर्स्ट में क्या है, इसको वर्ड में लिखना होगा, तो चाहो तो लिख सकते हो तुम। मैं सिर्फ इसका फिगर बनाऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम अपने मन से लिख लेना क्या है। देखो जैसे मैं क्या किया, ग्लास रॉड लिया, इस बार में ग्लास रॉड जो लूंगा ना वो नेगेटिव लूंगा, ठीक है। या तो मैं ग्लास रॉड ले सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का कोई मेटल भी ले सकता हूं, मैं उसे कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये नेगेटिवली चार्ज ले लिया। चलो मैं अगर कहूँ तो ठीक है, ऐसा हो सकता है, या तो मैं ऐसा ले सकता हूँ, एक मैं मेटल स्फेयर ले लिया, ठीक है मेटल स्फेयर लिया, मुझे पॉजिटिवली चार्ज है बनाना, न्यूट्रल है तो कोई न्यूट्रल पॉजिटिवली चार्ज है, मैंने न्यूट्रल चार्ज का एक मेटल स्फेयर ले लिया, ये क्या है नेगेटिवली चार्ज, सॉरी ये क्या है न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ठीक है, न्यूट्रल बनाया। अब मैं क्या करूंगा, इसके पास क्या करूंगा, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ले जाऊंगा है ना, ताकि क्या हो कि ये मतलब ये अट्रैक्शन, मतलब क्या होता है, देखो मैंने क्या किया, नेगेटिव चार्ज मेटल स्फीयर मैंने क्या किया, इसके नियर बाय में ले गया, ठीक है ये नियर बाय में ले गया। जब इसको नियर बाय में ले गया, नियर बाय में ले गया, ये क्या है नेगेटिवली चार्ज मेटल स्फीयर है, ये है ही, जब इसके नियर बाय ले गया तो क्या होता है कि सारा पॉजिटिव इसके सरफेस पे आ जाएगा, और सारा माइनस 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 रिपल्सन पे इधर आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखो इसे क्या करो, अर्थिंग कर दो। मैंने बोला कि अर्थ में इतना ज्यादा कैपेसिटी है ना कि इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, और ये प्लस अपने आप चल जाएगा, मतलब वैकेंट हो जाएगा प्लस, ठीक है।
प्लस अपने आप इधर चला गया। अब जब इलेक्ट्रॉन सारा हो गया ना, तो ये कुछ ऐसा बन गया। देखो ये तो नेगेटिवली चार्ज तो मैं लूंगा ही, ये तो मैं, ये जब मैं लिखूंगा ना तो मुझे देखना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू टेक नेगेटिवली चार्ज मेटोस्फेयर नियर बाय न्यूट्रल चार्ज मेटोस्फेयर, उसके बाद मैं इसका कहानी लिखना स्टार्ट करूंगा। अब मैं इसे अर्थिंग करूंगा, इलेक्ट्रॉन सारा अर्थ में, ये अर्थिंग किया मैंने, अर्थिंग किया और ये क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज है, सॉरी ये तो नेगेटिवली चार्ज तो है ही, अब ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया, अब ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया, तो न्यूट्रल जो पार्ट था ना ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज, तो मैं लिखूंगा न्यूट्रल चार्ज स्फीयर बिकम पॉजिटिवली चार्ज, बिकम पॉजिटिवली चार्ज, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉजिटिवली चार्ज। तो बस आज का क्लास यहीं तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लिखे जरूर है ना, इसके बाद फिर क्लास लूंगा कल में। कल जो स्टार्ट होगा वो जो न्यूमेरिकल पे जो बेस होता है क्वेश्चन वो कल स्टार्ट होगा, तो ये बात है जरूर, इसे नोट करना है ना। थैंक यू।